तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल यार। अब जो आज का गेम पूरा एक प्योर गेम प्ले होने वाला है, तो तुमको पता है कि आज तुमको ढेर सारे किल्स प्लस कमेंट्री देखने को मिलेगी, मौज आ जाएगी। तो देखो भैया, मैं उतरा था जॉर्ज पुल, उठाने लगा वेपन और तभी होने लगी फायरिंग। और अब तुम्हारे भाई को पता था उसे क्या करना है, ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के एक एक को लॉबी बचाना था। बट यार ये तो मेरे को ही लॉबी बचा देता। बट यहाँ पर जो भी हो, मैंने इन दोनों का टिकट काट दिया। अब देखो, मेरे को लगा था कि इन दोनों को मारने के बाद इनके बाकी जो दो बंदे हैं वो एकदम आग बबूला होके मेरे को मारने आएंगे, बट वो कहीं और ही बिजी थे। तो मैंने इनको लूटा, हेल्थ लगाई और एक किल निकाल दिया। अब इन भाई साहब को मारने के बाद मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इनको फिनिश कर पाऊंगा, बिकॉज ये बहुत दूर नॉक हुए थे। बट अपन कर भी क्या सकते थे। तो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड की चम्बी कर दी और उसके बाद फिर वहीं गया जहाँ मेरी किल थी। और भाई मेरी जो किल थी ना, मतलब जिस बंदे को मैंने नॉक करा था, वो रिवाइव हो चुका था। अब रिवाइव होके जाएगा भी कहाँ, वहीं कहीं होगा, ढूंढ के मारेंगे फिर से। अब यहाँ पर मैंने भाई को फिर से नॉक करा और उसके टीममेट को भी नॉक करा, लेकिन क्या मेरी किल चोरी हो गई इधर, पता नहीं, लेकिन यहां पर कोई तो बच रहा है। अमीन भाई साहब ने मेरे को कैंपर समझा होगा, बट यार तुमको पता है, तुम गवाह हो कि मैं कैंप नहीं कर रहा था इधर। उसके बाद देखो अपन गए वहीं पर जहां पर बंदे मिलते हैं, और बंदे थे सामने की तरफ। पर दिक्कत ये थी ना कि ज्यादा बंदे बच नहीं रहते यार, तो अपन कोशिश क्या कर रहे थे कि यहां पर मामला निपटा के निकले यहां से। अब यार देखो, ये था तो बंदा, बट हरकतें थी बॉट वाली यार, ऐसे बंदे ना आया करे भाई, बड़ा दिक्कत होता है यार इनको मारने में। अब देखो, उसके बाद मैंने उठाई बग्गी और भाई उस पड़ोस की तरफ से फायरिंग आ रही थी, तो मैं वहीं गया। मैं सोचा था सिटी से बंदे आएंगे, मैं एक एक करके उनको मार दूंगा, पर भाई उनका तो अलग ही कुछ प्लान था। अब ये चार बंदे ओपन में क्या कर रहे भाई, मेरे को आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि भाई को किल्स बहुत मिलने वाले हैं। अब देखो, मैंने तीन किल जेब में कर लिए थे, बट मुझे पता था कि पहाड़ी पे अभी भी बंदा है। तो यहां पर मैंने एक और किल उठाई, उसके बाद देखो फायरिंग हुई। तो यहां पर एक बंदा था जो मेरे ऊपर गोली चला रहा था। अब क्योंकि मैंने उसे हेड मारा था, वो दोबारा पीक तो लेने वाला था नहीं, तो उसके टीममेट ने पीक ली, मैंने उसको बजा दिया। अब देखो, अगर मैं रुका ना तो किल्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर मैंने उठाई बग्गी और बोला जय भवानी, चढ़ बैठा उन लोगों के ऊपर। अरे भाई, बेचारों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मैंने दोनों करे नेट से। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता, तुम लोग जरा कमेंट सेक्शन बताना इधर मैंने कितने मार दिए नेट से। मुझे तो लग रहा है मैंने दो उड़ाए हैं। भाई जो भी हो, अब मैं इधर आया, मैंने फटाफट इनको लूटा, क्योंकि भैया मेरे को और बंदे ढूंढने थे। 12 किल तुम्हारे भाई के हो चुके थे, मतलब हॉट ड्रॉप तो सक्सेसफुल था। तो उसके बाद मैंने बग्गी उठाई और भाई मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, यहीं पर बंदे मिल गए। भाई सच बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहां बंदे इस तरफ क्या कर रहे हैं। भाई मतलब इधर बंदे कहां ही होते हैं यार, लेकिन आज मेरे को कहां कहां बंदे मिल रहे हैं भाई।
अभी ये कहाँ से आया यार। बस जो भी हो, मैंने उसको नॉक कर दिया था, और क्योंकि ये नॉक हुआ था तो मेरे को इस बात का बहुत डर था कि वहाँ पर उसका कोई टीममेट भी होगा जो उसे रिवाइव दे लेगा। तो यहाँ पर मैं फौरन गया भैया अपनी किल को फिनिश करने, क्योंकि यार अगर मैंने उसको मार दिया तो 14 किल हो जाएंगे, उसके बाद 30 किल तो कहीं जा ही नहीं रहे। अब मुझे लग रहा था इसका टीममेट यहाँ पर कोई होगा, बट ये अकेला था इधर। तो इसको बचाने के बाद मैं निकला नए बंदों को ढूंढने के लिए। अब मेरे को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा भाई, क्योंकि तुमको पता है यार, मतलब कुछ फिक्स्ड ऐसे लोकेशंस होती है ना जहाँ पर तुमको हमेशा बंदे मिल जाएंगे। जैसे कि पूछेंगे क्या स्क्वाड हाउस, भाई एक ना एक स्क्वाड उधर मिल ही जाती है, तो मैं सीधा गाड़ी लेके उधर तान दिया। ओए हाय हाय भाई, हो गया ये, मैंने ये इजी किल था, पता है इजी किल, पता नहीं यार कैसे मिस कर दिया मैंने। बस जो भी हो, मेरे को दोबारा मौका तो देगा नहीं, तो यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ करके पुश करना पड़ेगा। भाई ये लोग दो हैं, मैं एक समझ रहा था। अब जानते हो तुम लोग कि इन दोनों की गलती क्या थी, इन्होंने स्प्लिट पुश करा। अगर ये एक साथ आते ना तो इनके लिए एक चांस रहता कि ये मेरे को ट्रेड कर देते, मैं एक को नॉक कर देता, दूसरा मेरे को मार देता। बट इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि अलग अलग डायरेक्शन से आए। भाई देखो, आप चाहे जितने भी बंदे हो, लेकिन अगर आप एक सोलो भी स्क्वाड बंदे को आइसोलेटेड फाइट्स दोगे, यानी कि एक एक करके लड़ने आओगे ना, तो सबको बजा देगा भाई। तो यहाँ पर इन्होंने वही गलती करी, मैंने एक को नॉक कर दिया, दूसरे को फिनिश भी कर दिया। अब नॉक वाला बंदा कहाँ गया पता नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई ना कोई टीममेट तो आएगा, बट मुझे क्या पता था यहाँ पूरी स्क्वाड आ जाएगी। अब इनका भी एक बंदा मैंने नॉक करके बहुत ज्यादा लो कर दिया था, पर उसको रिवाइव मिल जाएगा बिकॉज वो कवर में चला गया था। अब मैं जानता था ये मेरे को पीक देंगे नहीं, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इनको पर रश करूं। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये जो चाह रहे हैं वही कर ही दिया जाता है, क्यों ना रश कर देते हैं इनके ऊपर। अब देखो यहां पर मेरी जैसे ही किल कंफर्म हो गई ना, मैंने उठाई गाड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि अब तो भैया रश करना है, मेरे ऊपर कोई टेंशन थी ही नहीं। लेकिन बस दिक्कत ये थी कि ये तीन बंदे थे मिनिमम जो मुझे दिखे थे, चार हो तो कोई उसमें भी डाउट नहीं होगा। अब दो तो मैंने गिरा दिए थे, अब देखो इनका एक बंदा स्क्वाड हाउस पे है और एक बंदा पत्थर के पीछे, और भाई मुझे नहीं पता ये यहां कब से है। अब ये तो गया, तो ये नॉक हुआ, फिनिश भी हो गया। अब मुझे बस ये नहीं पता कि ये इस टीम का था या नहीं था, लेकिन अब मेरे को इतना पता है कि जो बंदा सिर्फ बच रहा है ना वो स्क्वाड हाउस में। तो मैंने उठा लिए थ्रोएबल्स और अब करूंगा मैं पुश, दम है तो बच के दिखा लो।
ओ भाई मजा आ गया। लेकिन जानते हो, जब तक मैं इनसे लड़ रहा था ना, तो ट्रिपल स्टोरी में बंदे आ गए थे। मुझे लग रहा है कि ये जो तीन बंदों की स्क्वाड थी ना, इनका चौथा जो बंदा है ना वो यही है, और ये अपनी टीम को जानते हो एक ऑफ फ्लैंक दे रहा था। फिर जो भी हो, अब तो ये आखिरी इकलौता चिराग था, तो इसको भी बुझाना था मुझे। लेकिन उससे पहले दूसरों बंदों से भी लड़ना था जो इधर पुश करने की सोच रहे थे। अब देखो इधर मेरी किल चोरी हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको पूरा खाऊंगा मैं। भाई जहां तलवार काम नहीं आती वहां सुई काम आती है, और जहां गन काम नहीं आती ना वहां काम आता है ग्रेनेड। अब इनको मारने के बाद देखो पोचिंग की में और फायरिंग हुई थी, बट मैं उधर गया नहीं, बिकॉज मुझे पता था यार वो मेरे को देख के निकल लेंगे वहां से, क्योंकि जोन था नहीं। तो मैं आया यहाँ पर, और भाई मेरे को इधर बंदे मिल गए। वो बोलते हैं ना, जहां उम्मीद नहीं होती ना, सबसे ज्यादा मजा उधर ही जाता है। ओ भाई इसको क्या चिपकी है भाई M4। चलो भाई सब निपट गए इधर। उसके बाद यहाँ रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था यार, क्योंकि ये जगह एक तो जोन में नहीं थी, ऊपर से यहाँ रुके करता भी क्या। तो मैंने उठाई लम्बोगनी और भैया गया कहाँ मैं, एक ड्रॉप के पीछे, क्योंकि मुझे चाहिए था AWM। बट मैं क्या जानूँ भाई, AWM की जगह मुझे यहाँ बंदे मिल जाएंगे। अब जैसे ही मैंने स्मोक देखा ना, मैंने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि भैया ड्रॉप बहुत ज़्यादा ओपन में था। अरे भाई ये बंदा कैसे नहीं मार पाया मेरे को। वेल जो भी हो, तुम्हारे भाई के 24 किल हो चुके हैं, 9 बंदे अभी बच रहे हैं, मतलब 30 किल तो भाई फुल चांस है भाई, फुल चांस। ओ भाई इसे कहते हैं अंधा नॉक। और ये कौन स्नाइपर चला रहा मेरे ऊपर। अब यहां पर मैं फुल जिगल देके भाग रहा था, बिकॉज भाई एक गोली अगर और पड़ती ना मेरे पैरों पे भी तो मैं खत्म था इधर। तो मैं किसी तरीके से पेड़ के पीछे आ गया, मैंने हेल्थ लगाई। अब इस स्नाइपर को तो मैं छोड़ूंगा है नहीं, तो यहां से मैं उठाऊंगा गाड़ी और करूंगा भैया फुल रश। अब देखो तुमको गिली सूट वाला दिखा, इस पे ध्यान रखना, ये आगे जाके हमको बहुत बीटी देने वाला है। भाई हर जगह तो बंदे, किधर जाऊं मैं। अब यहां पर बंदा मेरे एग्जैक्ट सामने था, बट यार ये लड़ नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा डिफेंसिव था। और जैसे ही मैंने पीक ली खत्म कर दिया। अब समझ में आया ये इतना डिफेंसिव क्यों था, ये अकेला था। लेकिन भाई यहां पर एक और टीम थी जिनको अपना मौका दिख गया, वो जानते थे कि मैं अकेला हूं, तो अब वो करने वाले थे मेरे ऊपर चौतरफा पुश, और मैं यहां पर थोड़ा सा फंसा गया था। अब देखो मुझे इतना पता था कि बाउंड्री के पीछे एक बंदा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके पास एक बहुत तगड़ा प्लान है। यार सैड लाइफ।